हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कौशिक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि TJSB का बैंक का जो इंश्योरेंस बैंकिंग और चेकबुक इशू का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप कैसे फिलअप करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इस फॉर्म को आप अगर इंश्योरेंस बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम होता है या चेकबुक के इशू के लिए अप्लाई किया है अभी तक नहीं आया, तो इस फॉर्म को फिल करना होगा उसके लिए। तो इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, टू द ब्रांच मैनेजर TJSB सरकारी सहकारी बैंक लिमिटेड। यहाँ पे आपका ब्रांच कहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कचरापाड़ा में, तो आपका ब्रांच यहाँ पे है, आप जहाँ पे रहते हैं लिख दीजिए उस जगह का नाम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेट, किस डेट में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फॉलोइंग दिस फैसिलिटी है, ओके। तो आपका इशू कौन सा है, चेकबुक का इशू है, एसेंस बैंकिंग फैसिलिटी, या स्टेटमेंट ऑनलाइन ईमेल में कोई फैसिलिटी, स्टेटमेंट में ईमेल में कोई प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए, अगर आपको कोई इशू है तो उसके लिए जो भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ पे टिक कीजिए। अगर स्टेटमेंट के लिए है तो टिक कीजिए यहाँ पे, एसेंस बैंकिंग के लिए है तो टिक कीजिए यहाँ पे, चेकबुक के लिए है तो यहाँ पे टिक कीजिए, जो भी है। तो मैंने यहाँ पे चेकबुक के लिए इशू है तो मैं यहाँ पे टिक कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कस्टमर नंबर, आपका कस्टमर आईडी होता है बैंक का, जो आपका कस्टमर आईडी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आपके बैंक में जाके पूछिए, आपका कस्टमर आईडी जो है वो लोग बता देंगे, ठीक है, या फिर आपके पासबुक में लिखा हुआ होगा। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द कस्टमर, यहाँ पे आप मिस्टर है, मिसेस है, जो भी है यहाँ पे टिक करके यहाँ पे आपका नाम फिल कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने कौशिक गुप्ता मेरा नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड में और एक है, थर्ड में और एक है नाम एप्लीकेशन का, एप्लीकेंट का, ठीक है। ये जॉइंट अकाउंट अगर आपका है बैंक में तो यहाँ पे आपका दूसरा नाम और तीसरा नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एड्रेस, फ्लैट नंबर जो है आपका दीजिए, सोसाइटी आप जहाँ पे रहते हैं, रोड आपका एरिया का जो जिस रोड मैंने आपका एरिया का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद लैंडमार्क, नज़दीकी कोई लैंडमार्क यहाँ पे दीजिए। उसके बाद सिटी, आप कौन से सिटी में रहते हैं यहाँ पे दीजिए। उसके बाद पिन कोड, और अगर वेस्ट बंगाल में रहते तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाहर रहते तो जो भी है आपका स्टेट वो लिख दीजिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस टेलीफोन नंबर अगर है तो दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका, फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ देना होगा। उसके बाद रिलीजियन, हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ पे दीजिए। उसके बाद प्रोफेशन, जैसे मेरा सेलर है तो आपका प्रोफेशन जो भी है वो लिख दीजिए। क्वालिफिकेशन क्या है आपका यहाँ पे देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे चले आइए, देखिए अकाउंट डिटेल, सीरियल नंबर यहाँ पे एक दो करके लिखा हुआ है, ब्रांच कोड नेम, यहाँ पे ब्रांच कोड नेम अगर आपको पता है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद अकाउंट टाइप कौन सा है, ठीक है, और अकाउंट नंबर, सेविंग्स लिख के अगर सेविंग्स है तो करंट अकाउंट, करंट जो भी है लिख के अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर नंबर मैंने बोला है आपको, अगर पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो बैंक से पूछ लीजिए वो बता देगा। उसके बाद ऑप्शनल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, सेल्फ जेटली योर एस टिक व्हिच वर यू एप्लीकेबल, सेल्फ यहाँ पे सेल्फ पे टिक कर दीजिए, ठीक है, फैसिलिटी आपके खुद के लिए है तो सेल्फ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद कौन सा फैसिलिटी आपको चाहिए, एसेंस बैंकिंग का या चेकबुक का इशू का फैसिलिटी, तो मैंने यहाँ पे चेकबुक पे टिक किया दिया है, चेकबुक का जो है यस, अगर आपका एसएमएस बैंकिंग है तो एसएमएस बैंकिंग पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाइए, और करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे योर फेथफुली
अकाउंट होल्डर जो मेरा नाम लिख दिया है यहाँ पे सिग्नेचर, अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट का यहाँ पे सिग्नेचर होगा यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है, ये नीचे वाले पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, ये बैंक का काम है। और यहाँ पे इस फॉर्म में करने के लिए कुछ नहीं है, आसान सा है इसको फिलअप करना। अगर आपको मैं समझा पाया इसको कैसे फिलअप करना है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया इसको कैसे फिलअप करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे। अगर आप लोगों को फिटनेस रिलेटेड कोई इशू चाहिए, फिटनेस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है फिटनेस के बारे में, अगर जानना है कुछ डाइट वगैरह या कुछ, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में DM कीजिए, ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। रिलेटेड अगर कोई इशू है आपका फिटनेस के बारे में तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, बाय बाय।